जैसा कि दोस्तों हम इस समय पहुंच चुके हैं प्रताप सेंटर स्कूल अशोक विहार फेज टू में। आइए हम जानते हैं यहाँ पे प्रबंधक जी की मीटिंग रखी गई है, इसके संबंध में हम पूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, मैं प्राथमिक एंड जूनियर हाई स्कूल विद्यालय कल्याण एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और आज हम लोग यहाँ पे कमेटी के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं विद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर। सर, आज मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या था? आज मीटिंग में आप लोगों से क्या वार्ता हुई? आज मीटिंग का मेन उद्देश्य ये रहा कि काफ़ी दिनों से आरटी को लेकर 2015-16 से सरकार प्राइमेट स्कूलों में आरटी के तहत 450 रुपये पर मंथ देकर गरीब बच्चों को उन स्कूलों में शिक्षा दिलवाता है जहाँ पे मान्यता प्राप्त हो या एडिड विद्यालय हो, और उसके बाद उनका 12 महीना का जोड़कर 5400 रुपया भुगतान पर बच्चे के हिसाब से सरकार करती है। सर, कहीं ना कहीं आज स्कूल की जो मीटिंग रखी गई है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है और कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में कहते हैं पढ़ाई अच्छी होती है, आपका क्या मानना है? देखिए, एक चीज़ तो आप जान जाइए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई इसलिए हम कहते हैं कि अच्छी होती है क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर भी और प्राइवेट स्कूल वाला भी है, वो जानता है प्रबंधक प्रिंसिपल कि हम अगर अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे विद्यालय में अभिभावक कभी भी अपने बच्चों का प्रवेश नहीं कराएंगे। गवर्नमेंट स्कूल की स्थितियाँ ये हैं कि उनका इंटरेस्ट इसलिए कम रहता है, पढ़ाने में रुचि कम होती है अध्यापकों की, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि हम पढ़ाएंगे जी तोड़ मेहनत करके तब भी हमें सैलरी वही मिलेगी, नहीं पढ़ाएंगे तो भी सैलरी वही मिलेगी, और वहाँ तानाशाही भी होती है, वो नहीं पढ़ा रहे तो हम क्यों पढ़ाएं, वो नहीं पढ़ा रहे तो हम क्यों पढ़ाएं। ये हम अभी सर, दो दिन पहले हम पूर्व प्राथमिक विद्यालय में गए थे, वहाँ एक भारतीय सैनिक हैं जो रिटायर्ड हैं, उनका कहना था कि प्राइवेट स्कूलों में जो छठे हुए टीचर होते हैं वैसे होते हैं और जो सरकारी स्कूल में होते हैं वो एक नंबर के होते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वहाँ पे एक सच्चाई ये है कि डिग्री लेकर और उस योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति हो जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और हमारे यहाँ भी जब तक वो बीएड नहीं किया हो, बीटीसी नहीं किया हो, तब तक प्राइवेट विद्यालयों में टीचरों की नियुक्ति नहीं होती क्योंकि सरकार हर समय विद्यालयों का जांच करता है आपके यहाँ कितने टीचर हैं, कितने शिक्षक हैं जो बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं, तो आप इसको कैसे अंतर कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार में पढ़ रहे विद्यालयों में सभी को एक समान दी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं वो विदेश से आकर वहाँ नौकरी कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ भारत में पढ़ कर यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो ऑक्सफोर्ड के तो है नहीं, भारत के ही यूनिवर्सिटी से पढ़े, वहाँ भी शिक्षक है यहाँ भी है। सर, और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, और कुछ में देखिए, जो मेन उद्देश्य हम लोग के यहाँ पर आने का कि नवरात्र के अवसर पे हम लोगों ने आज आपस में पदाधिकारियों ने राय किया कि हम सभी मिलकर यहाँ पे एक मीटिंग किया जाए जिसमें विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा होगी, साथ में आरटी के तहत 4-5 साल से बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि सरकार के द्वारा भुगतान न किए जाने के संदर्भ में चर्चा किया जाए, और यहाँ हमारे शिक्षक जो है काफ़ी दिनों से लगातार मेहनत से पढ़ा रहे और हर स्कूलों में 100 से ऊपर आरटी के तहत पढ़ने वाले निःशुल्क बच्चों की संख्या काफ़ी हो चुकी है जिसका भुगतान न होने से वो अपने शिक्षकों को समय से भुगतान नहीं दे पाते। थैंक यू सर। सर, शिक्षा के बारे में कुछ पीएम मोदी से कुछ सहयोग के बारे में या फिर उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे विद्यालयों के बारे में? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के बाद मोदी जी ही ऐसे व्यक्तित्व तो मिले जो हमेशा समय समय पर देश के खिलाड़ियों से, देश के छात्रों से, प्राथमिक स्कूल के विद्यालय प्रांगण में जाकर, शहर में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से मिलकर उनके पढ़ाई और शिक्षा के स्तर को इंटरव्यू के माध्यम से एक बच्चों के बीच में खुद शामिल होकर इंटरव्यू लेते हैं और अपने देश की शिक्षा की स्थिति स्तर को देखते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी तरह प्राइमरी स्कूलों में जाकर और उनके शिक्षा के स्तर उनका इंटरव्यू लेते हैं, पढ़ाई कैसी हो रही है। अभी आप देख रहे हैं काशी सांस्कृतिक महोत्सव प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों से कराया जा रहा है पूरे प्रदेश में, उसके बाद काशी में आप खेलकूद प्रधानमंत्री खेलकूद प्रतियोगिता कराया जा रहा है जनपद के हर क्षेत्रों में,
हर ब्लॉकों में। तो प्रधानमंत्री का और ये मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत इंटरेस्ट है इन विद्यालयों में, जिसके कारण यह हमारे प्रदेश में देखने को मिला। लास्ट में हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक चीज़ और कहना चाहेंगे आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि शिक्षा के स्तर पर भी अच्छा हो सकता है यदि हम समय पर उन टीचरों का भुगतान करें जो प्राइवेट विद्यालय में कम सैलरी पे बच्चों का भविष्य बनाते हैं। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के छात्रों की नींव मजबूत करना, ये हमारी नींव है, यहीं से बच्चे जो है पढ़ना लिखना प्रारंभ करते हैं और उनकी रुचि उसी में बढ़ती है। अगर यहाँ मनोबल टूट जाता है या भटक जाते हैं तो आगे की शिक्षा जो है वो